हाँ बोलो। मेरा दिमाग इसने खराब करके रख दिया, अब ये मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। ताहिर, आखिर क्या बात है? वेदांत होटल से निकल गया। क्या? और अपने साथ साथ गीत को भी ले गया है। फोन बंद है उसका। ईशान का भी फोन बंद है। उस परदेसी चुड़िया के दिन यहीं थे। अब जाकर उससे पूछते हैं कि उसका बाप कौन है। चलो लड़कों, चलो होटल चलिए। ठीक है। वालेकुम सलाम ताहिर। इस घर में जो लड़की थी उसे आपने देखा कहीं आज? तुम्हारे जाने के बाद वो भी चले गई थी, मदरसे में होगी, जाकर मिल लो। शुक्रिया। उस्मान बाबा, बराक कहाँ है? क्या घर पे नहीं है वो? हमारे घर से जाने के बाद वो मदरसे आई थी, पुलिस ने हमें बताया। नहीं बेटी, मैं तो फजर की नमाज से यहाँ हूँ, वो नहीं आई। वो देखो अलग अलग रास्तों से जा रहे हैं। ऐसा लगता है पीछे से अलग अलग रास्तों पर हैं। ये अब तक नजर क्यों नहीं आई? शायद ये वहां पर हो जहाँ कोई कैमरा नहीं। मैं जरा ताहिर को कॉल कर लूं। कुछ मिला भाई? कुछ भी नहीं ताहिर, मैं तलाश जारी रखता हूं, लेकिन ज्यादा उम्मीद नहीं है। कैमरे में कुछ नहीं मिला है। गीत को वो ले जा चुका है, अब आप लोग जाके ढूंढ ले वो कहां गया है। मैं पागल हो जाऊंगा। अस्मा सुनो, प्रोसिक्यूटर के पास चलते हैं, तलाश का हुक्म जारी करवाते हैं। नहीं जारी हो सकता, गैर कानूनी कुछ नहीं किया उसने। मेरे बेटे को अगवा किया है उसने। हफ्ते के बाद जिस दिन तुम्हें देना है उसने, तब तक वो इस मुल्क में ईद को कहीं भी ले जा सकता है। अगर ना लेके आया तो फिर तलाश के हुक्म से मुल्क में हर तरफ तलाश कराएंगे, लेकिन अभी कानूनी तौर पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका मतलब है कि हफ्ते भर हम हाथ पे हाथ बांधकर बैठे रहे, अगर वो ना लाया तो? विलायत का मुकदमा उसके हक में है, बच्चे को ना लेके आया तो विलायत खो देगा। तुम्हें लगता है ऐसी अहमकाना हरकत करेगा? खेल रहा है वो, गलत नहीं कर रहा, उसने जानकर किया है। मुझे गुस्सा दिलाना चाहता है ताकि गुस्से में मैं कोई गलत कदम उठा लूं। तुम्हें कैसे पता ये? मुझे पता है, 8 साल में उसके साथ रही हूं, उसके बारे में सब कुछ जानती हूं। तुमने जो कुछ सीखा है उसको भूल जाओ, मुझे गुस्सा ना दिलाओ। अरे लड़के, तमीज से
वरना तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा। ताहिर तुम जरा मेरे साथ आओ।